शिवपुरी पुलिस ने गुम हुए मोबाइलों में से छप्पन मोबाइल खोज कर लोगों के किए सुपुर्द। आज पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल ने शिवपुरी शहरवासियों के गुम हुए मोबाइल वापस प्राप्त कर लोगों को वितरित किए हैं। जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए थे उन लोगों ने साइबर सेल शिवपुरी में मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद साइबर सेल प्रभारी मुकेश दुबोलिया और उनकी टीम ने गुम हुए मोबाइलों में से 56 मोबाइल बरामद कर लिए, जिन्हें आज पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम शिवपुरी में लोगों को वापस लिया गया। अपने मोबाइल पाकर लोग बहुत खुश दिखे और पुलिस को धन्यवाद कहा। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के द्वारा साइबर टीम और इस कार्य में लगे अन्य पुलिसकर्मियों के इस कार्यों की सराहना की गई। इस कार्यवाही में एसआई मुकेश दुबोलिया, प्रधान आरक्षक विकास सिंह चौहान, आरक्षक देवेंद्र सेन, आरक्षक आलोक व्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या नाम है आपका? रविंद्र पोड़े। कहाँ रहते हो आप? तुलसी नगर। आज आपको मोबाइल मिला है पुलिस द्वारा, क्या लग रहा है? खुशी है। कितने महीने गुम हुआ था आपका मोबाइल जी? कितने महीने पहले गुम हुआ था? दो महीने हो गए। आपको कैसा लगा मोबाइल? बहुत खुशी होगी साहब। क्या क्या कीमत थी मोबाइल की? मोबाइल 13,000। कैसे मिला? कहाँ से चोरी हुआ था जी? और मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ सर जी। हाँ, तो ये कहाँ से निकल गया? मेरा सब्जी मंडी से कोर्ट की जेब में से निकाल दिया। कब की बात है जी ये? 7 जनवरी की बात। बहुत जल्दी ढूंढ दिया प्रशासन ने। क्या कहेंगे आप? आपके लिए पूरी टीम के लिए मेरे, मैं जितनी प्रसन्नता करूँ उतनी कम है। बधाई है, वेरी वेरी हैप्पी है। क्या नाम है आपका? बालक दास बैरक। ठीक है, तो मिली हुए हैं कितने मोबाइल थे? और तकरीबन 56 मोबाइल जो पिछले कुछ समय से गुम थे। इनमें अभी पिछले कुछ 10 दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक के मोबाइल हैं जो ट्रेस किए गए हैं। और इसमें हमारी साइबर सेल के अपने मुकेश दुबोलिया जी और इनके साथ जो टीम है 4 लोग, इन्होंने लगातार इनकी ट्रैकिंग करी और इनको ढूंढ निकाला है। और इनको फिर ओरिजिनल मालिक को आज दिया गया। करीबन 56 लोगों को ये मोबाइल दिए गए।